सो गाइस, राखी आ रही है ना, तो मैं उसके लिए ये मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आई हूँ। और जिस क्रीम से मैंने ये मेकअप लुक किया है वो तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद मेरे फेस में कुछ भी नहीं है, तो आप चाहे तो टोनर लगा सकते हैं पर मैंने स्किप कर दिया है। फिर उसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। सो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए पॉन्स की बीबी क्रीम, ग्लोइंग लवली बीबी क्रीम, जो एक फाउंडेशन का काम करती है, मल्टी विटामिन क्रीम विद फाउंडेशन है ये। और सो इसका प्राइस की बात करें तो ये 49 रुपीस का मुझे मिला है, और ये मैट फिनिशिंग देता है, सन टैन से बचाता है, आपको कवरेज देता है। और आप इस क्रीम को रख सकते हैं अपने मेकअप किट में, तो आप हल्का फुल्का मेकअप या फाउंडेशन से रिलेटेड मेकअप आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे कहने से एक बार यूज़ करें, बड़ी अच्छी क्रीम है। आपने स्टार्टिंग में मेकअप देखा है कितना प्यारा मेकअप हुआ है। सो इसको आप हाथ से ब्लेंड करेंगे ना तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक जाएगी, फेस पे कम लगेगी और दाग धब्बे से ऐसे वाइट वाइट हो जाएंगे। सो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है अच्छे से, अच्छे से आपको ब्लेंड करने में टाइम देना है। सो जब तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए कि मैंने कौन सा वीडियो कब डाला है। सो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। मैंने यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी हटाया नहीं है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन आप लोगों को दिखाया है मैंने कि इसको मैंने कितने अच्छे से ब्लेंडिंग की है। आपको नेक पे भी करना है, नहीं तो फेस और नेक अलग अलग लगेगा। ये क्रीम कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए, शादी पार्टी मेकअप के लिए भी ये क्रीम आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हुई है। एज अ कंसीलर भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर मुझे थोड़ा डार्क डार्क सा लग रहा है, जैसे आइज़ के अराउंड और माउथ के अराउंड, तो मैं वहाँ पर इसको अप्लाई करूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको फिर से ब्लेंड करेंगे, ताकि जो हमारा ब्लैक ब्लैक सा है जहाँ पे वो एक जैसा हो जाए और आपका मेकअप अच्छा लगे। सो गाइस, ये राखी मेकअप ट्यूटोरियल है, और वो भी मैंने बीबी क्रीम से किया है, बीबी क्रीम ग्लोइंग लवली क्रीम से विद फाउंडेशन है ये। सो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। राखी पे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो मेकअप करना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं मेकअप नहीं भी करना चाहते। तो अगर जो लोग मेकअप नहीं भी करना चाहते वो ये क्रीम लगाएं, और जैसे अपना लिपस्टिक सिंदूर लगाते हैं उससे भी अपने मेकअप लुक को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर जो लोग अच्छे से मेकअप करना चाहते हैं वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक पाउडर लेना है, कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से आपको सेट कर देना है, अच्छे से सेट करना है, सेटिंग में अच्छे से टाइम देना है, क्रीम को भी पाउडर को भी, कहीं भी आपका वाइट वाइट सा फेस ना लगे, नहीं ऐसा लगेगा आपने पता नहीं क्या बहुत सारा लगा लिया है। सो आपको अच्छे से लगाना है, लगाने में थोड़ा सा टाइम देना है। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से दिखाया है कि मैंने कितने अच्छे से सेट किया है। जब आप लोग इस क्रीम से मेकअप करेंगे ना तो आप लोग को खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ कम रेट की क्रीम है, कम प्राइस में, और आप लोग इसको अपने मेकअप किट में रख सकते हैं। सो आपको एक स्पूली ब्रश लेना है, उसको अपनी थ्रेडिंग को डिफाइन करना है, सेट करना है। फिर उसके बाद एक आईब्रो पेंसिल लेना है, उससे आपको अच्छे से सेट करना है। मैंने कुछ ज़्यादा डार्क डार्क नहीं किया है, जैसी मेरी थ्रेडिंग है वैसे ही मैंने इसे डिफाइन किया है, आप देख सकते हैं। अच्छे से दोनों आईब्रो को फिल करके फिर उसी स्पूली ब्रश से आपको सेट करना है, ताकि ये उसी शेप में आ जाए जैसे आपने इसको शेप दी है। सो आपको लाइनर लगाना है, लाइनर के बिना तो मेकअप अधूरा ही लगता है। जो मैंने इस वीडियो में मेकअप किया है राखी पे, तो हर लोग इतना करते ही हैं, तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा एक बार, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्रीम आपको कैसी लगी। सो लाइनर लगाने के बाद आपको काजल लगाना है, काजल लगाएंगे तो आपकी आंखें बड़ी ही प्यारी लगेंगी। ये सिंपल सा मेकअप एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप सूट के ऊपर भी मेकअप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, मैंने साड़ी पे किया है। सो आप अपने अकॉर्डिंग आप क्या आउटफिट पहनना चाहते हैं, अगर आई मेकअप करना चाहते हैं तो आप लोग आई मेकअप भी कर सकते हैं।
सो यहाँ पर मैंने लिप बाम लगाया है। लिप बाम लगाएंगे आप लोग तो आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगेगी। सो आपको लिप बाम लगाना है, फिर बाद में उसे पोंछ के फिर हम लिपस्टिक लगाएंगे। सो आपको हल्का सा ब्लश लेना है, इसमें कोई कॉन्टोरिंग ऑनटोरिंग मैंने नहीं की है, सिर्फ ब्लश लगाया है। ये सिंपल सा सटल सा मेकअप है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। राखी आ रही है, कुछ भी फेस्टिवल हो, किसी की शादी हो, तो आप अगर इतना भी मेकअप कर लेते हैं तो आप लोगों को लोग कहेंगे कि हाँ आपने किस क्रीम से मेकअप किया है, एक बार हमें भी ज़रूर बताएं। तो आप लोग इसे अपनी मेकअप किट में रख सकते हैं। एक पॉन्स बीबी क्रीम आती है, एक ग्लोइंग लवली बीबी क्रीम विद फाउंडेशन आती है जो कि मैंने इस वीडियो में यूज़ की है। सो उसके बाद आपको हाइलाइटर लगाना है, हाइलाइटर ज़रूर ऐड करें। हम राखी या शादी पार्टी में कर रहे हैं मेकअप, सो आपको हाइलाइटर ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आप लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ोटो बड़ी अच्छी आएगी। इतना सा सिंपल सा सटल सा मेकअप है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो जहाँ भी आपको हाइलाइटर लगाना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने चिक पे लगाया, नोज़ पे लगाया, अपर लिप्स पे लगाया है और फोरहेड पे भी हल्का सा लगाया है ताकि एक शाइन दे आपको। और आपको अपनी थ्रेडिंग के नीचे तो ज़रूर लगाना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शार्प सी दिख रही है, बिल्कुल एकदम क्लीन दिख रही है हाइलाइटर लगाने की वजह से। सो मैंने दोनों अपनी आईब्रो पे यहाँ पर हाइलाइटर ज़रूर ऐड किया है। ये सिंपल सा मेकअप है तो आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से। कोई भी मेकअप करना है आपको तो उसे टाइम ज़रूर देना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने लिप बाम लगाया था उसे पोंछना है ताकि आपके होंठ पे जो भी फालतू की चीज़ें हैं, जैसे कि आपने ये क्रीम भी लगाई या लिपस्टिक पहले से लगा रखी होगी, तो वो निकल जाएगी और आप जो अब लिपस्टिक लगाओगे वो बहुत अच्छे से सेट होगी। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का लिप लाइनर लिया है, पहले उससे अच्छे से लाइन देनी है आपको, अच्छे से मोटी लाइन देनी है, फिर आपको उसी कलर की या आप कलर चेंज कर सकते हैं। पर मैंने रेड ही कलर की लिपस्टिक लगाई है, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करेंगे तो आपकी लिपस्टिक जो बाहर चली जाती है वो बिल्कुल नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हुई है। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ के साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, वीडियो लाइक करें।